बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुरुषोत्तम मास कथा पंचम अध्याय पांचवा अध्याय। देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री नारायण से पूछा, हे महाभाग, चरणों में पड़े अधिक मास को भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया और उससे क्या क्या कहा था, वह हमें सुनने की इच्छा है, कृपा करके हमें विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, विष्णु भगवान ने गरुड़ को संकेत की और आज्ञा दी तो वह अचेत अवस्था में पड़े अधिक मास को अपने पंखों से हवा करके चेतन करने लगे। अधिक मास चेतन अवस्था में आकर बोला, स्वामी, मैं इस प्रकार का जीवन नहीं जीना चाहता, मैं तो आपकी शरण में आया हूँ, मुझे त्यागिएगा नहीं। तब भगवान ऋषिकेश अधिक मास से कहने लगे, हे पुत्र, तुम अब सोच मत करो, उठो उठो तो सही, मुझे तुम्हारे दुख का निवारणार्थ एक उपाय सूझा है। हे वत्स, तुम मेरे साथ योगियों को भी दुर्लभ गोलोक में गोपी जनों के साथ भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर दीनानाथ भक्त वत्सल विराजमान है। वे भगवान श्री कृष्ण ही दुख हरण करने वाले हैं, वे ही तुम्हारे दुख दूर करेंगे। आओ पुत्र, हम दोनों उन्हीं के समीप चले। श्री नारायण कहने लगे। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अधिक मास का हाथ पकड़ लिया और गोलोक जा पहुंचे। ब्रह्मलोक की भांति गोलोक अवस्थित है, जो 3 करोड़ योजन मंडलाकार भूमि में तेज स्वरूप रत्नों से युक्त है। योगीजन इसे स्वप्न में भी नहीं देख पाते, केवल वैष्णव जन ही वहां पहुंच पाते हैं। वह आदि व्याधि जरा मृत्यु और शोक रहित एवं अनगिनत मंदिरों से सुशोभित है। गोलोक के दाई ओर जो शिवलोक है, वहां भस्म रमाए सर्पों की यज्ञोपवित धारण करने वाले भगवान शिव अपने गणों के साथ रहते हैं और महादेव शंकर की जय जयकार करते रहते हैं। गोपेश वेशधारी कोटि चंद्रमा के समान शोभायमान भक्तों पर दया रखने वाले इच्छा के रहित निर्विकार परम परिपूर्ण प्रभु रास मंडल के मध्य बैठने रहने वाले रासेश्वर श्री हरि भगवान गोलोक में विराजते हैं। वहां विराजमान भगवान श्री कृष्ण मंगल रूप मंगलमय पूजनीय सर्व मंगलों के मंगल परमानंद राज सत्य अव्यय सर्व सिद्धियों के स्वामी सर्व सिद्धि रूप और सिद्धिदाता प्रकृति से परे ईशाने निर्गुण नित्य विग्रह नित्य रूप आदि पुरुष अव्यय इंद्र रूप पुरुषतुत्य नित्य स्वतंत्र एवं एक परमात्मा रूप है। ऐसे शांत स्वरूप का तो शांति परायण वैष्णव जन ही ध्यान करते हैं। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्मे वैष्णो गोलोक गमने पंचमोध्याय समाप्तः संपूर्णम्। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।